दिलाओ मुक्ति, यह कहना है निपानिया क्षेत्र के रहने वाले रहवासियों का। इंदौर के निपानिया के रहवासी क्षेत्र में बने एक मुक्ति धाम को लेकर रहवासी और गांव वालों में जमकर विवाद हुआ। दरअसल उस मुक्ति धाम के पास रहने वाले रहवासियों में भय का माहौल है, क्योंकि गांव वाले उसी खुले मुक्ति धाम में शवों का दाह संस्कार करते हैं, जिससे कि आसपास के रहवासी परेशान हैं। यहाँ रहने वाले महिलाओं बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी इंदौर के निपानिया इलाके के खुले में बना मुक्ति धाम की। देवास नाका से खजराना जाने वाले मुख्य व्यस्ततम मार्ग पर सड़क किनारे खुले क्षेत्र में 132 केवी हाई टेंशन लाइन के ठीक नीचे, जिसके एक ओर तुलसी नगर का मुख्य द्वार है तथा दूसरी ओर बच्चों का एक बहुमंजिली स्कूल है, वहां स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा कुछ समय से शवदाह किया जा रहा है। वहां रहने वाले रहवासियों की ओर से इस शमशान के बारे में समय समय पर स्थानीय पार्षद, महापौर, विधायक, निगमायुक्त, कलेक्टर, जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन जैसे मंचों पर आवेदन दिए गए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण इस मामले को कभी संज्ञान नहीं लिया। अभी वहां रहने वालों के मन में भय रहता है, क्योंकि वह शवों को खुले में जलाया जाता है। शासन प्रशासन से रहवासियों की मांग है कि इस खुले में बने मुक्ति धाम को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों के मन से भय निकल सके। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जो आगे बच्चे आते जाते हैं तो कभी कभार बारिश ज्यादा होने की वजह से बसें अंदर नहीं आती है, तो बच्चों को वहीं छोड़ा जाता है। और मतलब 6 महीने पहले यहाँ ऐसे ही जलाया था, बारिश हो गई थी और वो आधा ही जला, लोग निकल गए और कुत्तों ने वो शव को बाहर निकाल के, और वो हमारे बच्चों ने देखा है, बच्चे महीने महीने भर बीमार हुए है और इस सफर से हम लोग गुजर रहे है, तो इसका थोड़ा बहुत तो आप लोग सोच लीजिए, इसका कोई नतीजा डर का माहौल है ही भैया बच्चे, क्योंकि बस उसमें अंदर अभी रास्ता हुआ है हमारे यहाँ, बस अंदर बच्चों को नहीं, छोटे छोटे बच्चों को यही छोड़ा जाता था, पेरेंट्स पहुँचने तक बच्चे खड़े रहे, ये जलता देख रहे हैं तो कैसे होगा। हम बस ये चाह रहे हैं कि यहाँ सब दिखावा नहीं हो जाए, डरना नहीं चाहिए, हमको मालूम है सया जी के यहाँ है सब है, पर वो सब बंदिश्त है सब है, हमको भी पता है, पर यहाँ अगर सही में पहले परंपरागत चलता था तो आज तक क्यों नहीं बनाया था, परंपरागत था तो वो बनना चाहिए था, पर अभी नहीं, अभी क्यों बनाने चालू हो गया, ये तो है ना, हटने नहीं जाते, जान करते हैं लड़ाई करने आते हैं, कपड़ा वो सब जो जलाना मंजल याद है।